उत्तर पूर्वी जिला के नंदनगरी डिस्ट्रिक्ट पार्क में नंदनगरी क्रिकेट लीग का फाइनल मैच दिल्ली पुलिस और मंडौली टाइगर्स के बीच खेला गया। मंडौली टाइगर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। दिल्ली पुलिस टीम ने बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 153 रन बनाए। मंडौली टाइगर्स ने लक्ष्य का पीछा करते हुए फाइनल मैच जीत लिया। इस मौके पर उपस्थित रहे उत्तर पूर्वी जिला DCP वेद प्रकाश सूर्या, अति उपायुक्त सुकांत वल्लभ, नंदनगरी SCP आनंद मिश्रा, SHO अवतार सिंह रावत व RWA के सदस्य के लोग इस मौके पर मौजूद रहे। मैं मंडौली टाइगर के सभी खिलाड़ियों को बधाई देना चाहता हूं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज का ये जो टूर्नामेंट है इसका समापन है। पिछले लगभग 10 दिनों से ये टूर्नामेंट चल रहा था और इसमें 10 से 12 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। और हमारा ये टूर्नामेंट यहाँ की जो अमन कमेटी के लोग हैं उनके साथ मिलकर आयोजित करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो उद्देश्य था कि समाज के जो लोग हैं और ख़ासतौर से जो युवा वर्ग हैं उनको संदेश देना कि एक अपराध मुक्त और नशा मुक्त समाज का निर्माण हो सके और एक ऐसा प्लेटफॉर्म और मंच देना युवाओं को जहां उनकी प्रतिभा को सम्मान मिल सके और उनको एक पहचान मिले ताकि जो उनकी ऊर्जा है उसको एक सकारात्मक दिशा मिले और समाज में जो युवा हैं वो अपना उसके विकास के लिए योगदान दे सकें। अपराध से दूर रहना ये युवाओं को एक बहुत बड़ा संदेश था हमारी तरफ से। कोई भी अपराधी सामाजिक नहीं हो सकता और यहाँ आज एक इतनी बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ उपस्थित हुए इस मैच को देखने के लिए, ख़ास तौर से नंदनगरी, सुंदर नगरी और यहाँ आसपास के इलाके के जितने लोग थे, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी ये संकल्प लें कि समाज में अपराध और नशा ये दोनों ही ना हो और हम अपने घर में जाके अपने तमाम बच्चों को, युवाओं को ये संदेश दें कि हमें अपराध और नशे से दूर रहना है तो जो हमारा उद्देश्य है वो पूर्ण होता है। बिल्कुल, जैसे कि हमने ये बताया कि आज जो पिछले 10-12 दिनों में युवाओं ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्से लिए और आसपास की नंदनगरी के इलाकों से जो टीमें यहाँ आई थीं उनमें ख़ासतौर से युवाओं के अंदर काफ़ी जोश देखने को मिला, ये एक उपलब्धि है। और हमारा जो मैसेज था इसमें कि अपराध मुक्त और नशा मुक्त समाज का निर्माण हो तो इसमें युवाओं के सहयोग की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। इसी के मद्देनज़र हमने ये टूर्नामेंट आयोजित किया था। आने वाले समय में हम ऐसी ही गतिविधियां और भी इलाके में करते रहेंगे।